हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मशरूम की बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी, जो कि विद इन 10 मिनट्स में बनके रेडी हो जाएगी। और जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है मशरूम घी रोस्ट, जो कि मैंगलोर की बहुत ही सिग्नेचर रेसिपी मानी जाती है। तो ये बहुत वहाँ पर पॉपुलर है, फेमस है। तो इसे बनाने के लिए हमें पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि 2 मिनट में हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी, और इसे अभी रख देते हैं साइड में। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ मिर्चें, और ये जो रेसिपी है ना, थोड़ी सी खट्टी मीठी तीखी बनती है। और यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसमें काजू, और ये ऑप्शनल है, पसंद हो तो आप डालिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से इमली, जिसके कि मैंने बीज जो है निकाल ली है। आप इमली का पल्प हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, इसे ना गर्म पानी में थोड़ी देर सॉक कर देंगे, तो ये जल्दी से हो जाएगा। और इसे सॉक करके हम रख देंगे, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक मसाला जो है वो रोस्ट करना है, और यहाँ मैं डाल दूंगी 2 चम्मच ये साबुत धनिया, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच काली मिर्च, और ये 3 से 4 लौंग। और इन्हें जो है हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा इसमें से खुशबू आने लग जाए। और इसी में हम बाद में ऐड करेंगे थोड़ी सी मेथी दाने, और इन सबको बढ़िया से हमने रोस्ट करना है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। तो देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, और अब मैं इस गैस को कर दूंगी बंद, और इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है, हम मशरूम धो लेते हैं। तो इसे अच्छे से धोइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है ना मतलब गंद चिपका होता है। तो देखिए कितनी सारी इसमें मतलब डस्ट है, और ये जो काला काला सा है, तो इसे ना 3 से 4 बार आप अच्छे से वॉश कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, जो बड़े हैं तो उनके हम 4 टुकड़े कर लेंगे, अदरवाइज हम 2 टुकड़े कर देंगे। और अगर बहुत छोटे वाले हैं ना, तो आप उनके 2 ही टुकड़े रहने दें, या उसे साबुत भी डाल सकते हैं। तो इसे कट कर लेंगे। और ये हमने देखिए काट लिए हैं, और इसे हम साइड में रखेंगे। तो इधर ये मसाला भी ठंडा हो गया है, और जो हमने ये भिगो के रखा था ये भी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ये डाल देंगे। तो ये पानी समेत ही मैं डाल दूंगी इसमें, और साथ में ये जो हमने मसाला भून के रखा था ये भी डाल देंगे। और इसी में मैं डाल दूंगी दही, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 मोटी मोटी सी ये लहसुन की कलियां हैं, और इसी में मैं डाल दूंगी अदरक, और जो है इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें पीस लिया है, अब हम इसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे, जो कि हमने मशरूम काट के रखे थे, इस पे मिला देंगे सारा। और इसे जो है मिक्स करेंगे। तो जितना आपको पेस्ट इसमें डालना है, उतना आप इसमें इसे मसाले को डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, और इसे हम 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम हमारी सब्जी जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे
पैन जो है वो चढ़ा दिया है और हम बनाना शुरू करेंगे हमारा घी रोस्ट मशरूम। तो इसमें घी की मात्रा ज़्यादा ही जाती है, पर आप कम भी कर सकते हैं अगर आपको मतलब कम खाना है। पर ये जैसे कि घी रोस्ट है तो इसमें अच्छी मात्रा में ही घी जो है हो जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, ये ऑप्शनल है, जीरा आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिएगा। और इसमें जीरा सब अपनी अपनी पसंद से, कोई डालता है कोई नहीं डालता, तो मैंने डाला है। और इसे जो है गरम कर लेंगे घी को। और यहीं अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। तो ये एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया और इसे हल्का सा हम भून लेंगे। जब इसमें हल्का सुनहरा रंग आ जाएगा तब तक ही हमने इसे भूनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारे प्याज हैं अच्छे से भुन गए हैं, इनमें एक सुनहरा कलर भी आ गया है। और जो अब ये हमारे मशरूम थे जिन्हें हमने रखा था मैरिनेट करके, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये मसाला भी इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे। और इसे जो है हम 2 मिनट हाई फ्लेम पे भून लेंगे, क्योंकि जो मशरूम होते हैं उसमें काफ़ी जो है पानी होता है, तो इसे हम हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम डाल देंगे कुछ हमारे मसाले, थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ी सी रेगुलर मिर्च, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा, और जो है इसे मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से इसे हमने जो है मतलब रोस्ट करना है जब तक कि इसका जो मॉइस्चर है पूरा सूख नहीं जाता। और इसी बीच जो है ये मशरूम जो है जल्दी से पक भी जाते हैं, तो ऐसे ही भून भून के हमने इसे जो है पकाना है। तो फ्रेंड्स जब तक ये भून रहा है मैं थोड़ा सा इसमें कसूरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर रही हूँ, इसका अरोमा भी इसमें आ जाएगा। तो गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है और ये फिर पकने में बहुत टाइम देगा अगर हम स्लो में करेंगे तो, और इसमें से काफ़ी सारा जो है ना पानी रिलीज होगा। तो हाई फ्लेम पर ही करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी से ये बनते हैं। और इसे जो है रोस्ट करते हुए अभी 3 मिनट ही हुए हैं और देखिए इसका टेक्सचर, ग्रेवी, सब कुछ आप देखिए। और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है और अब हम ऐड करेंगे इसमें नमक। तो नमक जो है स्वादानुसार ही डालिएगा और एंड में डालिएगा, क्योंकि ना वरना जो ये मशरूम है काफ़ी सारा पानी और रिलीज कर देंगे। और यहीं पे मैं इसमें डाल दूंगी करी लीव्स, तो ये भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चीनी, तो ये काफ़ी खट्टी तीखी चटपटी से बनती है। तो मेरे पास गुड़ नहीं है, बेसिकली जो है ना इसमें गुड़ डलता है, तो गुड़ आज था नहीं तो मैं चीनी डाल रही हूँ। आप शहद भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी। और इसे जो है अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा जो ये बहुत ही टेस्टी सा डिलीशियस सा घी रोस्ट मशरूम जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाला है। और इसे आपने इतना भूनना है कि इसमें से जो घी है वो रिलीज होने लग जाए। तो देखिए कितना बढ़िया से ये हमारा जो घी रोस्ट मशरूम है तैयार हो गया है। और इसने पैन भी छोड़ दिया है, ये देखिए कहीं से कुछ नहीं चिपक रहा। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा रोस्ट कर सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर उससे खाना खाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इस स्टेज पर अगर आप छोड़ेंगे तो ये सफिशिएंट है, ना तो ये ग्रेवी में है ना तो ये ड्राई में है। तो अब मैं गैस को कर दूँगी बंद और इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही डिलीशियस सा ये
मैंगलोर की बहुत ही फेमस और सिग्नेचर डिश ये हमारा घी रोस्ट मशरूम। और आई होप कि आपकी ये रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगली बार एक और इजी टेस्टी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।